Hello students, today in this video we will study the class 10th poem, The Ball Poem, written by the poet John Barryman. This is a very beautiful poem with a beautiful message. But before reading this, let us first know about the poet John Barryman. You can see students, he is John Barryman. He was born on 25th October 1914 and died on 7th January 1972. Means वो 25 अक्टूबर में 1914 में पैदा हुए थे और 7 जनवरी 1972 को उनकी डेथ हो गई थी. He was an American poet and scholar. वो एक अमेरिकन पोइट थे और विद्वान थे. Born in McAllister, Oklahoma. अमेरिका में वो McAllister, Oklahoma में पैदा हुए थे. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century. Means 20th century के second half, means 1950 के बाद उन्होंने poetry लिखे और उस time के जो poets हैं उनमें वो major figure थे, major poets थे. And he was considered a key figure in the confessional school of poetry. उनको जो confessional school of poetry है उनमें major figure माना जाता है, means major poet माना जाता है. अब confessional school of poetry क्या है students? वो जो poets थे वो अपनी life के experiences से examples लेते थे और उनके बारे में लिखते थे. तो उनकी जो poetry थी काफ़ी personal touch होता था उनमें और काफ़ी कुछ उन्हें पर्सनल लाइफ से ही मिल जाता था. तो इस टाइप की जो कन्फेशनल पोइट्री थी उनमें वो की फिगर थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर थे ऐसे राइटर ऐसे पोइट्स के अंदर. हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स. उनका जो बेस्ट नोन वर्क है वो कौन सी बुक है? द ड्रीम सॉन्ग्स. ये एक पोइट्री की बुक है और इस बुक के लिए उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है. तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं. नाउ अब क्या करते हैं, पोएम स्टार्ट करते हैं. द बॉल पोएम, बॉल पोएम आपको टाइटल से ही पता लग रहा है बॉल के बारे में. आपको ये पिक्चर बनी हुई आप देख सकते हैं, बॉल के बारे में है. तो बॉल के बारे में क्या बताया गया है इसमें, लेट अस फर्स्ट नो इट थ्रू इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं. A boy loses a ball. एक लड़का इसमें वो अपनी बॉल खो देता है. इज़ वेरी अपसेट, काफ़ी अपसेट हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती. नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, कि और किसी दूसरी बॉल को ख़रीदना भी मुश्किल नहीं है. उसके पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेम्बर्स उसे आसानी से बॉल दे सकता है या उसके पास और बॉल्स भी हो सकती हैं. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर पोइट जो है वो फील करा है कि वो इतना अपसेट क्यों है, क्यों इतना अपसेट होता है कि सिर्फ एक बॉल के खो जाने से. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. मीन्स आपको पोएम को पढ़ना है ये जानने के लिए कि क्या खोया है पोइट के अकॉर्डिंग और क्या वो फील करता है उस खोने के बारे में. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. मीन्स वो लड़का जो है ये जो लूज़ करने का, ये खोने का जो एक्सपीरियंस है उससे क्या सीखने वाला है. मीन्स क्या सीखने वाला है, तो क्या सीखेगा, जो मैसेज है वो यही है पोएम का, कि वो लड़का सीखेगा कि लाइफ में लॉस और गेन पार्ट है, उसके लाइफ के ही पार्ट हैं. वो हम उनसे अलग नहीं हो सकते. हम गेन भी करते हैं चीज़ों को, पाते भी हैं, हम खो भी देते हैं. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और हमें किसी चीज़ के खोने पर निराश नहीं होना है, क्योंकि लॉस भी पार्ट ऑफ लाइफ है. अगर हम गेन करते हैं तो वो लॉस भी होगा. इंसान अगर जन्म लेता है तो वो मरता भी है. तो इस तरीके से लॉस जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है और वही इंसान जो है अच्छे से जी सकता है जो इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है या इस चीज़ को समझ लेता है
कि ये जीवन का हिस्सा है और पिछली बातों को भूलकर, उस लॉस को भूलकर अगर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक बच्चे के लिए ये पहला लेसन है, इससे पहले उसने इस तरह की चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो नाउ अब पोएम को पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर। यहाँ तक कर लेते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ मीन्स लड़का अब क्या है, क्या मीन्स हाउ इज द बॉय नाउ, अब लड़का कैसा, हाउ इज ही फीलिंग, वो कैसा महसूस कर रहा है, कौन लड़का, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिस लड़के ने अपनी बॉल खो दी है वो कैसा फील कर रहा है, क्या वो दुखी है या किस टाइप से वो फील कर रहा है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके अंदर क्या चल रहा है। आई सॉ इट गो, पोएट इज सेइंग कि मैंने उसे जाते हुए देखा, बॉल को जाते हुए देखा, मैरिली बाउंसिंग, जो बॉल थी उसके पास वो मैरिली बाउंसिंग, खुशी से जाते हुए देखी। बॉल को क्या खुशी होगी, बॉल को खुशी होगी कि वो बाउंस कर रही है तो वो ऐसा लग रहा है खुशी से जा रही है। कोई भी चीज़ जंप करके तभी जाती है, जैसे वैसे तो यहाँ पे वो बॉल कोई इंसान नहीं है, कोई जीवित चीज़ नहीं है कि वो खुश होगी, लेकिन उसको खुश इसीलिए कहा है क्योंकि वो बाउंस करके जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वर्ड की वजह से यहाँ पर सोनीफाई कर दिया गया है बॉल को। डाउन द स्ट्रीट, और डाउन द स्ट्रीट में स्ट्रीट से उसने, पोइट ने जाते हुए देखा, एंड देन मैरिली ओवर देयर, और फिर मैरिली ही ऐसे ही उछलते हुए, देयर इट इज इन द वाटर, अब वो जाकर कहाँ चली गई है, इन द वाटर, पानी में चली गई। आप देखेंगे कि वो कहीं पर किसी हार्बर के पास, किसी बीच के पास खेल रहा था, किसी रिवर या किसी भी सोर्स ऑफ वाटर के पास खेल रहा था, और उसकी जो बॉल है वो गुम हो जाती है, पानी में चली जाती है, और पोइट ने ये देख भी लिया कि वो पानी में चली गई, अब उसको मिलने वाली नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट 4 लाइन्स हैं इनमें रेपिटेशन हो रहा, बार बार वर्ड्स का, व्हाट का को रिपीट किया जा रहा है, मैरिली जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच होता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। नाउ यहाँ से करते हैं नो यूज टू से, अब उसकी बॉल जो है वो जा चुकी है, गुम हो गई है, तो पोइट कह रहे हैं नो यूज टू से, इसका कोई यूज नहीं है, इट इज यूजलेस टू से, ये कहना यूजलेस है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे दूसरी भी बॉल्स हैं, कि वो तो दुखी तो होगा ही, उसके लिए ये दुख है तो वो दुख को फील करेगा, उसको ये कहने से कोई खुशी नहीं मिलेगी कि दूसरी बॉल्स भी हैं, तो ऐसा कहने से हम उसको कंसोल नहीं कर सकते क्योंकि वो उस बॉल को मिस जरूर करेगा। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, कि एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मीन्स बहुत बहुत ही ज़्यादा जो ग्रीफ है उसको फिक्स कर लेता है, फिक्स कर लेता है मीन्स होल्ड कर लेता है, जकड़ लेता है, और शेकिंग मीन्स बिल्कुल अंदर तक हिला देने वाला। इतना क्यों, क्योंकि पहली बार उसने कोई चीज़ जो है वो मिस की है, वो लॉस हुई है उसके लिए, तो पहली बार ये अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ हो गया। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मीन्स बहुत बड़ा दुख हो गया उसके लिए, हालांकि हमें लगेगा कि एक बहुत ही छोटी बॉल है और लाइफ में और भी बड़ी चीज़ें हम खो देते हैं, लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस है तो ये उसके लिए अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है। शेकिंग मीन्स बिल्कुल हिला देने वाला, अंदर तक उसको टच करने वाला ग्रीफ है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि जैसे ही पोइट को दिखाई दे रहा है कि वो रिजिड खड़ा है, रिजिड मीन्स हार्ड और एक ही जगह फिक्स खड़ा है,
ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बल करते हुए, कांपते हुए खड़ा है दुख से, स्टेयरिंग डाउन। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे, उस बॉल को वापस कहाँ से लेकर आए। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। और क्या कर रहा, बिल्कुल स्टेयर कर रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। हार्बर मीन्स वो जो पोर्ट है, वो जो भी बीच वगैरह है वहाँ पर वो देख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे उसने पूरे के पूरे यंग डेज जो है स्टेयर करते हुए ही बिता दिए हों। इस तरीके से स्टेयर कर रहा है और सारा जो अपने यंग डेज है उनको ऐसे ही वो खड़ा रहकर पास करने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से वो स्टंड खड़ा है कि अब क्या करे, व्हाट टू डू, वेयर इज बॉल वेंट, और कहाँ है ये हार्बर जहाँ पर उसकी बॉल गई है, वहाँ पर वो स्टेयर कर रहा, लगातार स्टेयर कर रहा है। ही इज़ इन अ फिक्स, व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब होता है फोर्सफुली एंटर करना कहीं, मीन्स यहाँ पर लगेगा मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको खुद ही एनालाइज करने दो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं उसको कंसोल करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरीके से उसको अभी समझाने वाला नहीं हूँ, इसे उसे खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि एक डाइम, डाइम मीन्स बहुत ही कम कीमत वाली, डाइम होता है बहुत, एक पैसा या एक सिक्का जो है वो जो एक सिक्के की कीमत वाली बॉल है, मीन्स बहुत ही चीप बॉल है। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और अगर वो चीप बॉल दूसरी भी ला कर दे दें तो वो उसके लिए वर्थलेस है, क्योंकि उसके लिए ये शॉकिंग है कि उसकी जो बॉल है वो खो गई है, तो वो उसके लिए यूजलेस है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उसको कंसोल करने के लिए एक दूसरी बॉल से उसको सांत्वना देने की कोशिश करें। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अब होता क्या है, वो स्टेयर करता रहता है, कुछ ना कुछ वो फील करता है, तो क्या फील करता है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेंस करता है, मीन्स उसको आ जाती है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके माइंड में आ जाती है, वो भी सेंस करता है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब इस दुनिया में जिसमें हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, उनको पाते रहते हैं, उनको हम खरीदते रहते हैं, तो ऐसे वर्ल्ड ऑफ पोजेशन के अंदर वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर लेता, मीन्स पहली बार उसे इस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है, इस लॉस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ऐसा उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके माइंड में क्या आता है, क्या वो अंडरस्टैंड करता है, ही अंडरस्टैंड्स दैट पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो हैं बॉल्स लेते रहेंगे, टेक मीन्स लेते रहेंगे मीन्स खरीदते रहेंगे, या उनके पास बॉल्स आती रहेंगी, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये जो बॉल्स हैं उनके पास फॉरएवर रहने वाली नहीं है, वो हमेशा लॉस्ट करेंगे, वो खो जाएंगी, उनको वो यूज़ कर लेंगे या वो टूट जाएंगी, तो इस तरीके से वो हमेशा उनको लूज़ कर देंगे, लिटिल बॉय। और ये जो है वो जो लिटिल बॉय है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है। एंड नो वन बायज अ बॉल बैग, और अब उसे अंडरस्टैंडिंग आती है दैट नो वन बायज अ बॉल बैग, कि कोई भी बॉल्स को जो चली जाती हैं, जो खो जाती हैं, उनको वापस नहीं ला सकता। अगर हम किसी चीज़ को नई को खरीदेंगे तो वो नई होगी, वो सेम बॉल जो है वो वापस नहीं आती, वो हमेशा के लिए हम खो चुके होते हैं। और ये चीज़ उसको समझ आ जाती है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है एक्सटर्नल है, पैसा एक्सटर्नल मीन्स पैसा एक्सटर्नल खुशी दे सकता है, वो एक्सटर्नल चीज़ों को ही हमें दे सकता है, हम
एक्सटर्नल चीज़ों को ही पोजेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, बाहर की दुनिया की मीन्स जो हमारी इंटरनल चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकता पैसा, मनी जो है वो एक्सटर्नल है। ही इज़ लर्निंग, ही इज़ लर्निंग मीन्स ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड ही इज़ डेस्परेट आइज, और उसकी जो डेस्परेट आइज हैं, डेस्परेट मीन्स होपलेस, जो दुखी आइज हैं, सोरोफुल आइज, उसकी जो दुख से भरी हुई आँखें हैं, अपनी बॉल को खोने का जो उसे दुख है और वो होपलेस हो गया है, उनके पीछे पोइट को लग रहा है, पोइट को दिखाई दे रहा है, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वो इस लेसन को समझ रहा है, सीख रहा है। और क्या है ये लेसन? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस की जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ की, तो लॉस की अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, लॉस को वो समझ रहा है कि चीज़ों को खोना भी जो है वो एक पार्ट है लाइफ का, इस बात को वो अब समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और ये भी सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि जब हम होपलेस हो जाते हैं तो फिर से अपने आप को कैसे हम स्टैंड अप करते हैं, खड़े होते हैं, मीन्स कैसे अपने दुख को दूर करके हम फिर से आगे के निकल जाते हैं और हम उस लॉस को पीछे छोड़ देते हैं। ये वो सीख रहा है कैसे फिर से अपने अंदर करेज लाते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जो काम है, ये जानने का जो काम है, वो आज जो जान रहा है वो हर मैन को, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि किसी न किसी दिन हर आदमी इस चीज़ को जान जाता है और उसी बात को जो आज वो बच्चा है वो जान रहा है। और शायद पोइट ने इसीलिए उसके मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि पोइट को लगता था कि ये उसके लिए सही समय है कि वो इस लॉस की एपिस्टेमोलॉजी को, अंडरस्टैंडिंग को जान ले, क्योंकि ये उसके लिए लाइफ भर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और पोइट कहता है कि मोस्ट नो मैनी डेज, कि बहुत सारे लोग बहुत दिनों में ये जान ही जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि हाउ टू बियर दिस लॉस, कि किस तरीके से हम किसी भी लॉस को बियर करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर से लाइफ में एक नए तरीके से स्टैंड अप हो जाते हैं, नए तरीके से हम शुरू हो जाते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो ये हर इंसान के साथ होता है और इसी लेसन को आज वो जो बॉय है वो सीख रहा है, तो इसीलिए पोइट ने उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। और यही जो है पोएम का थीम है, यही मैसेज है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल इन दिस पोएम। आई होप आपने बहुत अच्छे से पोएम को अंडरस्टैंड किया है, और अभी मैं आपके लिए होमवर्क जो है वो दे रही हूँ। होमवर्क ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पोएम के बाद, वो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करके वो बनाने की कोशिश करनी है, और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से ये काम करेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट।